नमस्कार दोस्तों, आज 3 दिसंबर 2022 दिन शनिवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का सब्जियों का क्या कुछ बाजार चला। सन्नी भाई की दुकान पे जैसे पत्ता गोभी आई, शिमला मिर्च आई, जो कट्टे में शिमला मिर्च आती है, पन्नी में शिमला मिर्च आती है और डब्बे वाली शिमला मिर्च, जान लेंगे कहाँ कहाँ की शिमला मिर्च आई। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार भाई साहब जी, आज का कैसा बाजार चला जी, शिमला मिर्च का, हरी तिक्खी मिर्च, पापड़ी मिर्च? शिमला मिर्ची का बाजार राणा जी, जो लोकल अपने आगरा वाली, हाँ जी, ये डब्बों में, वाली डब्बों में इनका बाजार रहा है 19 रुपए से 22 रुपए तक, 19 से 22 रुपए। हाँ जी। और जो बरेली वाली, बरेली वाली का बाजार रहा 18 रुपए 20 रुपए। अच्छा जी, जो कट्टे में आती है, कट्टे में आते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। और जो बात करें जी बरेली की हरी तीखी मिर्ची, हरी तीखी मिर्ची का बाजार है 18 से 20 रुपए। और जो बरेली की पापड़ी मिर्ची आती है, बरेली की पापड़ी 24-25। हाँ जी। और जो अपनी आगरा वाली पापड़ी है डब्बों में, हाँ जी, उसका बाजार है 25 से 28 रुपया। 25 से 28 रुपया। हाँ जी। अच्छा जी, और जो बात करें जी अपना ये नीलम 74 जी है कट्टो में, हाँ जी, इसका बाजार 24-25। 24-25 जी। हाँ जी। और जो बात करें जी अपना ये मध्य प्रदेश वाले शिमला मिर्ची जी, वो इन दो MP वाली अभी तो आ नहीं रही है, वो कोई भी गाड़ी नहीं है जी, अब इसका एक भी शिवपुरी नहीं है। शिवपुरी है, हाँ जी, शिवपुरी का बाजार है 22 से 24। शिवपुरी का बाजार 22 रुपए से लेकर 24 रुपए। हाँ जी। अच्छा जी, और शिवपुरी की जो पन्नी में आती है, पन्नी में आती है तो पन्नी में आ रही है तो उसका बाजार समझो 20 रुपए। आप अच्छा, 18-20। और जबलपुर, जबलपुर नहीं है मंडी में, कोई गाड़ी नहीं है, कोई गाड़ी। और जो जबलपुर आज की तारीख में उसका क्या बाजार चलेगा जी? जबलपुर रहती है अगर बाजार में तो उसका बाजार 24 के आसपास चलता। 24 का, यानी सेम है जबलपुर और शिवपुरी का बाजार। मिर्ची बड़ी है ना वहाँ की भी। हाँ जी, उसका भी बाजार यही चलता। तो ये कितनी गाड़ियाँ आ रही जी अभी, ये जो शिवपुरी वाली? दो गाड़ी थी अपने पास सिर्फ, नहीं अपने पास मंडी में कितनी? मंडी में 2-3-4 गाड़ी 5 गाड़ी, बाकी सारी की सारी है लोकल, लोकल बरेली आगरा, आगरा बरेली। अच्छा, यही सारी चल रही है। जी जी। अच्छा जी। और जो बात करें भाई सब खीरे का बाजार कैसा? खीरा अपना जो सीडलेस खीरा पानीपत वाला, हाँ जी, 30-32 जो सीडलेस जी, सीडलेस वाली। और जो अपने पास भरपेटा का, भरपेटा भी नहीं आ रहा, बेंगलोर आ रहा है। हाँ जी। बेंगलोर का बाजार है 26 रुपए से 28 रुपए। 26 से 28 रुपए बेंगलोर वाली खीरा। अच्छा जी। बाकी जो तीखी मिर्ची का भी मंदा ही चल रहा है, तीखी मिर्ची मंदा ही चल रहा है, 2-3 एरिया आ रहा है ना, चक्कर पड़ रहा है। और अपने पास ये पत्ता गोभी आई जी, पत्ता गोभी का क्या बाजार चल रहा है जी? पत्ता गोभी का बाजार चल रहा है, पन्नी है, हाँ जी, मतलब कट्टे जो है वो बिक रहे 250 के। हाँ जी। और जो पन्नी में आई है ये बिक रही है 5 रुपए 4 रुपए 6 रुपए। अच्छा जी। हाँ। 4 रुपए से लेकर 6 रुपए किलो तक। हाँ जी, तोल हाँ कर जी, तोल के। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद जी। दोस्तों ये इनकी दुकान का एड्रेस है, इन भाई साहब का कॉन्टेक्ट नंबर, इनका 12 महीने शिमला मिर्ची का ही काम है, बाकी तो सारी सब्जी बेचते हैं, शिमला मिर्च के स्पेशलिस्ट है। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आर के एंड कंपनी पे आज का सब्जियों का क्या बाजार चला। जैसे भाई साहब के पास मटर आती है, फ्रांस बीन आई और गाजर की गाड़ी आई, चलिए जान लेंगे गाजर का, मटर का, फ्रांस बीन का आज का क्या क्या बाजार चला, मंडी में टोटल कितनी गाड़ियाँ आई। मंडी में फुल जोरों से बोलियाँ चली हुई है, हर दुकान पे आप बोली चलती मिलेगी क्योंकि लोकल सीजन पूरे जोर से चला है। जान लेंगे विशाल भाई साहब से आज की क्या रिपोर्ट है। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार भाई जी, आज का कैसा बाजार, कितनी गाड़ियाँ आ रही मटर की? राणा जी मटर में की पंजाब से है 25-26 गाड़ियाँ मंडी में। अच्छा जी, अच्छा, सारी लोकल ही है जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, आज का क्या बाजार चला जी? राणा जी रात को जो मटर बिकी वो बिकी है 30-32 रुपए किलो। अच्छा, जो गाड़ियाँ रात को 2 बजे से पहले आ गई थी, हाँ जी, जो 2:30 बजे की, मतलब 2:30 बजे के बाद आई, वो मटर बिक रही है 26 रुपए से लेकर 28 रुपए के बीच, 26 से 28 रुपए। हिमाचल बिल्कुल ही खत्म हो गई, हिमाचल की थी जी, 3 गाड़ी थी हिमाचल की। हाँ जी। हिमाचल बिकी मतलब 30 रुपए किलो से लेकर 50 रुपए किलो तक, 30 रुपए से लेकर 50 रुपए। हाँ जी, हाँ जी। जो 50 रुपए मटर बिक रही, एक आधा बोरी कोई होती है जिस बैच पे बोली पे ऑक्शन पे अड़ जाते हैं ग्राहक, फिर उसको बाजार में जाके क्या रेट बिकेगी जी, वो कौन ले रहे जी? वो जो ऐसे जी, वो इस समय इंग्लिश आइटम के अंदर के बिकती है जी। अच्छा। आगे ने वाइने मार्केट में वो बिक रही है, यहाँ पे आसपास मध्य भारत जब ये इधर आसपास मंडी का कहीं नहीं बिक रही। अच्छा जी, वो सिर्फ साउथ में जाके बिकती है, साउथ दिल्ली में INA मार्केट में। हाँ जी, हाँ जी, इंग्लिश वेजिटेबल में ही गिनती हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा, तो आज का जी इसका फ्रांस बीन का क्या बाजार चला जी? फ्रांस बीन जी 22-23 रुपए बिकी जी, 22-23 रुपए। हाँ जी, हाँ जी। और आज ये गाजर आ रही जी, गाजर का बाजार जी? गाजर जी 15-16 रुपए, 15-16 रुपए। तो अब तो मटर तो काफी बढ़ गई जी मंडी में जी, आपकी भी बोली चल रही जी? हाँ जी, हाँ जी, अपनी चल रही है ये। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, ये लाइन से 4 गाड़ी अपनी लग रही है। हिमाचल वाली की आप ही करते हो रात को बोली है? रात को बिकी, वो रात को 11 बजे से लेके 2 बजे तक बिक जाती है। बोली करते हो जी आप उसकी? हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद भाई साहब जी, 2-3 दिन कॉमेंट आए थे जी, राहुल भाई फोन नहीं उठा रहे, वो
चुनाव में व्यस्त हैं तो अपना नंबर दे दो, किसी को इंक्वायरी लेनी हो तो आप ले सकते। राहुल भैया 6 तारीख के बाद VC मतलब जो सब फ्री फ्री हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक बार मोबाइल नंबर बोल दो। मेरा मोबाइल नंबर 9953327311। बहुत बहुत शुक्रिया जी। राम राम जी। दोस्तों जान लेंगे भाई साहब के पास RKN कंपनी पे जो खीर आया, बैंगन आया, लंबा बैंगन, गोड़ बैंगन, मेल तो मेन तो जो इनका खीर आता है इस सीजन में, और सलगम। जान लेंगे आज का क्या बाजार चल रहा। हाँ जी रामू भाई साहब जी, आज का कैसा बाजार चला जी खीरे? नमस्कार जी, नमस्कार। सीडलेस खीरा जी है ये, बिका 27-28 रुपए। 27-28 रुपए जी। हाँ जी। और ये बैंगन जी? बैंगन बिका 6-7-8। 6-7-8 रुपए। और ये अपना जी इसका बाजार 5-6 होगी ये जी सलगम नंबर एक का? नंबर एक का बढ़िया 300-400 रुपए। हाँ जी। कट्ट 25 किलो का कट्टा जी? 25-26 किलो। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जान लेंगे दिवेश भाई साहब से इंग्लिश वेजिटेबल का आज का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में क्या क्या बाजार चल रहे इसके, जान लेंगे भाई साहब के पास। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी लो जी, एक मिनट यहाँ लगा लो जी इसको। तो जी पहले तो भाई कई बंदे फोन करते हैं कमेंट, दिवेश भाई मिलते नहीं दुकान पे, क्या बात जी आजकल किधर क्या कारण है जी? लोकल सर्दी के सीजन में मेरे पास रात का ही काम होता है मेनली, या फिर दोपहर के बाद का। अच्छा जी। इसलिए सुबह के टाइम नहीं होता। अच्छा जी। रात फोन पे जगना पड़ता है। अच्छा जी। कॉल अटेंड करके लोग, सर्दी के सीजन में काम कम हो जाता है, रात को जल्दी माल आ जाता है ना। अच्छा जी। वो 11-12-1-2 बजे तक रात को वो माल निकलवा देते हैं और मंडियों का। अच्छा, उसके बाद सो के फिर सुबह 10-11 बजे के बाद। अच्छा जी। जो दिल्ली से बाहर की सप्लाई जाने थी वो देखते। अच्छा जी। जो हिमाचल वाला आता है वो सुबह के, ना के वो सुबह के टाइम आता था, वो सुबह के टाइम आता था तब मिलते थे जी। अच्छा जी। अब कैसे बाजार चल रहे जी इसके? बाजार सब चीजों का बुरी तरह डाउन हो रखा है। अच्छा जी। ये क्या कारण है जी? जब भी लोकल इतना बढ़िया रखा है। हाँ जी। लोकल का है ये। हाँ जी। ये आइसबर्ग 20-25 रुपए किलो का भाव है। 20-25 रुपए किलो जी। हाँ जी। सलाद पत्ता 60 रुपए किलो का भाव है। और ये लाल वाला सलाद जी? लाल 80 रुपए किलो है। और जो इसी में रोमन सलाद आता है? रोमन 60-50 रुपए। अच्छा जी। रेड कैबेज 20 रुपए है। हाँ जी। जुगनी 15-20 है। हाँ जी। 15-20 रुपए पीली जुगनी है। हाँ जी। पार्सली 120-150 रुपए है। हाँ जी। और बेसिल का रेट करें? बेसिल का रेट 80 रुपए किलो। अच्छा जी। चेरी टमाटर है ये? हाँ जी। 80 रुपए किलो है। हाँ जी। अवागाडो 250-260 रुपए किलो है, मणिपुर वाला। हाँ जी। लीक 60-80 रुपए किलो है। हाँ जी। ये सब होलसेल के रेट। अच्छा जी। ब्रोकली रात को बिकी है 20-30 रुपए किलो। अच्छा, जो ब्रोकली रखी है बहुत बढ़िया। अच्छा, ब्रोकली निकल रहा हूँ। ये लोकल ही आ रही है अब की बार ये? हाँ, तो अब तो लोकल का सीजन आ गया ना सर। अच्छा, ये देखिए लोकल की क्वालिटी क्या शानदार हो बीजी, बताओ जी। कभी जवान ना था 300 रुपए किलो बिकती है, 400 भी नहीं मिलती। नहीं मिलने। अच्छा जी। रोजमेरी है, इसका बाजार ठीक है, 600 रुपए किलो का है। हाँ जी। थाइम का 700-800 रुपए किलो का। अच्छा जी। बेसिल का क्या बताया आपने? 80 रुपए किलो। और ये अपना चाइना कैबेज जी? चाइना कैबेज 20 रुपए किलो, रिटेल में बिक रहा है, 10 रुपए किलो होलसेल में। अच्छा जी। और जो बात करें जी भाई साहब, ये लाल पीली शिमला मिर्च का 150 रुपए किलो से 170 रुपए किलो का भाव है। लाल पीली शिमला मिर्च का जी 150 रुपए में पीली ज्यादा मिलेगी, लाल पीली बराबर चाहिए 170 रुपए किलो का रेट। अच्छा जी। पीली की ज्यादा आवक होती है इन दिनों में? इस टाइम पीली ज्यादा आ रही है, अभी कुछ नए फार्म शुरू हुए ना तो उनकी पीली ज्यादा मिलेगी। तो ये लोकल वाली चल रही है बाहर की? लोकल भी चल रही है बाहर की, बैंगलोर की भी। अच्छा जी। अच्छा, लोकल ज्यादा आ रही है अभी। हाँ जी। बैंगलोर। और जो बेबी कॉर्न का क्या बाजार चल रहा है? बेबी कॉर्न 80-90-100। अच्छा, बढ़िया बेबी कॉर्न 90-100 से नीचे। तो जहाँ और पोक्चे भाई साहब? 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो। अच्छा जी। लोकल सब्जी जब भी चलेगी तो क्या कारण हो जाता है लोकल में? लोकल में एक्चुअली हर जगह सारी मंडी में सारा माल आ जाता है। हाँ जी। छोटे छोटे लोग भी, जो किसान है छोटे छोटे, हाँ जी, रेस्टोरेंटों में जो पास के हैं होटल है वहाँ ले जाते हैं। अच्छा, इसलिए डिमांड कम रहती है मंडी। मंडी में डिमांड कम हो जाती है? दिल्ली से बाहर ही माल नहीं जा रहा, हर स्टेट में लगा रहे हैं लोग लोकल माल। अच्छा जी। पहले चला भी जाता था। अच्छा जी। अब ये बस लोकल ही बिक रहा जी, जो भी माल लोकल यहीं के बिक रहा है। अच्छा जी। और लेमन ग्रास का भाई साहब क्या चल रहा है? लेमन ग्रास वो रखा है इतना बढ़िया, लेमन ग्रास दिखाना, 60 रुपए किलो का ये देखिए। अच्छा जी। लेमन ग्रास तो लेमन ग्रास क्वांटिटी में बिकता है भाई साहब? चाइना कैबेज भी देखिए इतना बढ़िया शानदार पीस है, 10-15 रुपए। अच्छा जी। चाइना का भी तो बड़ी शानदार जी है, 10-15 रुपए किलो। 10-15 रुपए किलो जी। और गर्मी के मौसम में देखने को भी नहीं मिलती ये लेमन ग्रास है, 60 रुपए किलो। अच्छा जी। ये 60 रुपए किलो चलते हैं जी। अच्छा जी। अच्छा, यानी अभी सारी सब्जी का फिलहाल मंदा ही है जी इसका? सैलरी है, सैलरी 50-60 रुपए किलो। सैलरी भी 50-60 जी। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों ये इनकी दुकान का एड्रेस, इन भाई साहब का कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने इंग्लिश वेजिटेबल का ही काम है। तो जान लेंगे महिंदर सिंह भाई जी की दुकान पे आज का सब्जियों का क्या बाजार चला, क्या क्या माल है भाई साहब के पास। सर जी नमस्कार जी।
सर जी आज क्या क्या माल आया जी? अपने पास चाइना खीरा आया, चप्पल टिल्ला आया। ये कौन सा खीरा जी है? चाइना खीरा। चाइना सीडलेस दो नंबर है। सीडलेस जी है? हाँ दो नंबर है। अच्छा जी दो नंबर ही है। दो नंबर ही गोभी है, बढ़िया गोभी। इसका क्या रेट है जी? दो नंबर खीरे का 30 रुपए किलो। और जो बढ़िया सीडलेस खीरा है जी वो बिक रहा 30-32 रुपए किलो। अच्छा जी। और गोभी फूल गोभी जी है? ये भी दो नंबर ही है, 10-12 की बिक रही है। बढ़िया वाली बिकली जी? सब बढ़िया वाली का क्या रेट है जी? 15-18। अच्छा जी। और जुकनी का जी आज नंबर एक की? जुकनी बिकी है 15 रुपए की। अच्छा जी। और पीले वाली जुकनी जी? वो भी 15-16 रुपए की। अच्छा जी। और आज ये साग क्या रेट बिक रहा जी? साग 100 रुपए धड़ी। बथवा जी है? हाँ जी। और करेला टिंडा नहीं आया जी? ये बिक गया रात को सारा। जो देसी टिंडा जी वो क्या रेट का जी? 50 रुपए किलो बिका। और चप्पल टिंडा जी? चप्पल टिंडा 30 रुपए। और जो चूहा करेला रहा जी आपके पास? वो बिक रहा है 50 रुपए। अच्छा जी। और चने का साग जी आज ही है? चने का साग कम है आज। हाँ जी। इसलिए 200 रुपए धड़ी बिका। 200 रुपए धड़ी यानी 40 रुपए किलो। हाँ जी। अच्छा जी धन्यवाद सर जी। अपना मोबाइल नंबर जी? 93-11-370-778 महेंद्र भाई सिसोदिया आजादपुर मंडी D1219 दुकान नंबर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आई नहीं आज दोस्तों जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का हरी तिक्खी मिर्ची का क्या बाजार चला, आज कितनी गाड़ियां आई। और वो दोस्तों इनके पास आई आज ये गुल्ली मिर्ची, ये जिसको गुल्ली मिर्ची बोलते हैं ये वाली अचारी पापड़ी भी इसको बोलते हैं। अचारी किस्म की होती है जो अपना बरेली इधर की आती है सारी गुल्ली। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी। भाई साहब जी मिर्ची कैसा बाजार चला जी, कितनी गाड़ियां रही जी आजकल जी? मिर्ची 78 आई थी, 7-8 गाड़ी 22 रुपए की। 78 नंबर जी? हाँ 21-22 रुपए की। और ये गुल्ली आई थी 15-18 रुपए की। अच्छा जी 15-18। और आज पन्नी वाली का आगरे वाली का? पन्नी वाली आज कोई नहीं आई क्योंकि बाप बाजार वहाँ टाइट था इसलिए नहीं आ पाई। अच्छा जी। और जो अपना ये कानपुर जी? कानपुर 14 रुपए की। कानपुर 14 रुपए, फिर ये तो सेम वही रेट है जी। अच्छा जी। अच्छा और ये गुल्ली किधर गया रही जी? है रायपुर की जी। रायपुर। अच्छा जी काफी दूर की आई जी मिर्ची है। सारी गाड़ी उसी चीज की है जी बस गुल्ली की जी। अच्छा जी। अच्छा धन्यवाद भाई साहब। ये कितने दिन तक अंदाज है जी? चौधरी साहब तो मिलते नहीं जी आजकल। अभी 7 दिन गए। अच्छा जी। उनको तो पता है अभी कब तक रेट बढ़े, किसान पूछते हैं जी कब तक उम्मीद है जी रेट बढ़ने की? 10-15 दिन मान के चलो, 10 दिन। अच्छा जी। अच्छा वो जगह उम्मीद है जी फिर? उम्मीद है थोड़ा अपना चाहिए। अच्छा धन्यवाद भाई साहब बहुत बहुत। दोस्तों धनिया का वही रेट है जिसका धनिया थोड़ा सा देखो, जैसे भाई साहब ने कहा कि लाल पत्ते हो गए थोड़े पीले ये 10 रुपये, इससे थोड़ा बढ़िया है वो 15 रुपये, और जो ज़्यादा ही बढ़िया बिल्कुल फ्रेश माल है पहली कटिंग का है, ये दूसरी कटिंग है, जो पहली कटिंग का धनिया है वो 20 रुपये किलो है। तो जान लेंगे भाई साहब के पास फूल गोभी का आज का बाजार क्या चला, कहाँ वाली फूल गोभी है। और दोस्तों इनके पास आई ये घी आती है, ये वाली घी है और पत्ता गोभी है पनियों में। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी आज का कैसा बाजार चला जी, कहाँ वाले फूल को बीजिए? आज का बाजार बहुत बढ़िया चला जी। हाँ जी 17-18 रुपए किलो, 16 रुपए किलो। अच्छा जी फूल गोभी बिकी आज? अच्छा फिर बढ़िया कह मैं जी। बढ़िया है कि आज दुकानदारी बहुत अच्छी रही जी। अच्छा जी। हाँ जी। हाँ जी। और पंजाब वाली आती थी अपने पास? पंजाब की बंद हो गई जी, पंजाब का वाला नहीं है यहाँ पे। अच्छा जी। तो यही हरियाणा वाली चल रही, जो हरियाणा चल रही है जो छोटे फूल की होगी जी बढ़िया गोभी जो जिसमें ये भी ना हो सारी एक सार नंबर वन की, उसका क्या बाजार है जी? 18 रुपए किलो बाजार है जी। 18 रुपए। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा जी। और आज का ये पत्ता गोभी का क्या बाजार चल रहा है? पत्ता गोभी बिक रही है 8 रुपए किलो। 8 रुपए किलो जी। और ये घिया कहाँ? घिया बिक रही है 15-16 रुपए किलो। ये कहाँ की घिया रही जी? ये भी लोकल है जी। अच्छा जी। और इसके अलावा क्या माल आ रहा है जी? इसके अलावा बैंगन था जी, बैंगन बिका 6-7 रुपए किलो का। 6-7 बैंगन का मंदा ही चल रहा है जी। बैंगन ही मंदा ही अभी। अच्छा जी। अच्छा धन्यवाद भाई साहब जी। दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर जी अपना? मोबाइल नंबर 93-12-88-96-61। बहुत बहुत तो जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का मशरूम का क्या बाजार चल रहा, मंडी में कितनी मशरूम आई जान लेंगे भाई साहब से जो इनके पास ये पन्नी वाली देसी लोकल मशरूम है। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी कितनी मशरूम आ रही जी मंडी में जी? मंडी में आज होगी कोई 25 टन। 25 टन? हाँ जी। 25 टन तो बहुत ज्यादा जी, बिक जाती है सारी? हाँ जी। अच्छा जी आजकल क्या बाजार चल रहा है जिसका जी? बाजार रात को था 110-130 रुपए किलो था। हाँ जी इसका। अच्छा जी। और पैनट बिके आज 110-140 था। और अब इस समय जी? इस समय बिक्री है यही 100-120-130। अच्छा जी। अब तो जैसे सर्दी आ गई बिक्री तो इसकी काफी बढ़ गई जी? हाँ बिक्री काफी बढ़ गई है। तभी ये अराइवल भी बहुत है, तब भी 25 टन फिर भी बिकने बहुत ज्यादा है जी। हाँ जी। हाँ जी। 25 टन माल थोड़ा नहीं होता जी वो भी। ये रेट इसलिए रुका हुआ है, एक तो साय है। हाँ जी। और एक प्रोसेस जो करते हैं मशरूम फैक्ट्री वाले हैं। हाँ जी। और 90 रुपए किलो वही जो ग्रोवर्स हैं उनका माल वहीं से ही ले रहे हैं। अच्छा जी। तो जब तक ग्रोवर का यहाँ 100-110-120 नहीं बिकेगा यहाँ आएगा ही नहीं। अच्छा जी। वो घर पे ही दे देगा। यानी तब रेट रुका है जी। हाँ जी। और मटर भी मंदी है, इसका भी कारण हो जाता है मटर की मंदी कारण इसकी बिक्री? हाँ जी। बिक्री बढ़ जाती है, मटर मंदी होगी तो लोग
मटर के साथ मशरूम खाते हैं। हाँ जी, तो ज्यादा ज्यादा वो डिमांड रहती है। अच्छा जी, अच्छा, यानी रुका रहेगा इस सीजन में, इतना बाजार तो चलता रहेगा जी। बाजार यही रहेगा 100, 110, 120, यही बाजार चलना चाहिए मेरे आइडिया से। अच्छा जी, इससे नीचे दिक्कत आ जाती इससे है? इससे नीचे होगा नहीं। इनको क्या रेट पड़ती है जी अपनी, जैसे किसान को कहाँ तक वारा खाते हैं? किसान को 80-85 रुपए किलो इस टाइम घर में पड़ रही है मशरूम ये जी, और जो पूरा काम लेबर से कराते हैं उनको 90 भी पड़ रही है। अच्छा जी, हाँ, फिर तो कोई ज्यादा नहीं है जी इसका रेट जी। नहीं नहीं नहीं, धन्यवाद सर जी। अपनी दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी? Malhotra D1351। हाँ जी, फोन 9654443414। बहुत बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों जान लेंगे न भाई साहब के पास आज का सब्जियों का क्या बाजार चला। इनके पास आती है दोस्तों ये भिंडी आई, कली वाली भिंडी, पापड़ी भिंडी, मिर्च है, और ये लंबे डेढ़ नंबर भिंडी, और ये गुजरात का सूरत वाला करेला। जान लेंगे इसका भी क्या कुछ आज का बाजार चला। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी, आज क्या क्या माल आ रहा है जी? गुजरात वाले सौदों के बारे में बताओ जी। गुजरात वाले भिंडी का डाउन है जी। हाँ जी, हाँ जी, 40 से 35 रुपए तक बिक। ये जो कली वाली जी, कली नहीं है, सुपर कली तो कम थी, वो बिक चुकी है। वो जो सुपर कली है, जो एक नंबर है, उसका क्या बाजार है जी? वो चली है 55 से 50 रुपए तक। 55 से 50 रुपए, और ये डेढ़ नंबर है जी? ये 40 रुपए चल रही है। अच्छा जी, और ये जो टेडी बिंगी दो नंबर में चली है, 25 रुपए किलो। अच्छा जी, अच्छा, और ये करेला जी? करेला भी का जी 40 रुपए। और एक गुजरात से घी आ रही है, एक पनियों में लिपट के, वो गुजरात से अहमदाबाद से आ रही है? हाँ जी, अहमदाबाद। उसके ही भैया डाउन है, कल 400-500 रुपए लिखी थी, आज डाउन है भैया। अच्छा जी, इसलिए डाउन है। और गुजरात को और सौदा क्या आ रहा जी मंडी में अभी? और फिलहाल अभी स्टार्ट हो रहा है, अभी नया सीजन है अभी। हाँ जी, कुंदरू भी आएगा, लौकी भी आएगी वहाँ से, ये गुजरात वाली जी। अच्छा जी, और आज का स्टार्ट होगा। अच्छा जी, कुंदरू का क्या बाजार चल रहा है? 10 रुपए, 8 रुपए। अच्छा जी, और परमल जी है? परमल 18 रुपए। परमल 18 रुपए, और ये पापड़ी मिर्ची है? पापड़ी 22 रुपए। और ये शिमला जी? शिमला चल रही है 22 से 25 रुपए तक। 22 रुपए से लेकर 25 रुपए तक। ये कहाँ वाली आ रही है? शिवपुरी आ रही है। शिवपुरी, और जो दूसरी लोकल नहीं आती जी आपके लोकल पास? लोकल नहीं आती जी। अच्छा जी, बस अभी यही सौदे आ रहे जी। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया दोस्तों। ये इनकी दुकान का एड्रेस है, इन भाई साहब का है कॉन्टेक्ट नंबर, इनका निचले वाला नंबर है। दोस्तों चलिए जान लेंगे मूली गाजर वाले साइड में आज का किसान साइड में सब्जियों का क्या बाजार चला। जान लेंगे ऋषि प्रकाश भाई साहब से, तो काफी दिन के बाद दर्शन हुए इनके, जानते हैं आज का क्या क्या रेट चला जी। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी, ऋषि प्रकाश जी, दर्शन भी दुर्लभ हो गए जी आपके। बाबू जी, मैं 7 बजे चला जाता हूँ। अच्छा जी, अच्छा, रात की ड्यूटी होती है, 7 बजे चले जाते हो जी? आज संडे करके मिल गए जी, संडे। अच्छा जी, ये बताओ जी, गुजरात वाली फूल गोभी का क्या बाजार चला जी? जी आज बिक रही है 20 रुपए किलो। अच्छा जी, जो हरियाणा वाली पत्ते टूट कर आती है, वो हरियाणा की गोभी वाली बिक रही 15-16 रुपए। 15-16, और आज का जी इसका पोर्ट का क्या रेट है जी? ये पोर्ट बिक रहा 350 रुपए का जी। अच्छा, 350 रुपए से 400 रुपए। अच्छा जी, और आज का मूली का क्या रेट चल रहा जी? मूली बिक रही जी 8-10 रुपए किलो। और जो एक दोई हुई आती है गठियों में, वो दोई वाली बिक रही 13-12-13 रुपए। यानी बिना दूली में और दूली में 5 रुपए का फर्क है जी, 4 रुपए का फर्क है। और ये सेम का बाजार जी है? सेम बिक रही जी 22-23 रुपए। ये भी गुजरात से आ रही है? हाँ जी। अच्छा जी, और आज घी आ जी है वाली? घी बिक रही जी 17-18 रुपए किलो तोल कर जी। किलो तोल। और वो गोल वाली घी आ जी है? गोल वाली की पन्नी दी है भाव जी, वो 550 रुपए, 550 रुपए। और वजन जी इसमें जी है? उसमें होता है 32 किलो 33 किलो। अच्छा जी, और मेथी का बाजार भाई साहब जी? मेथी बिक रही जी 70 रुपए, 70 रुपए 14 रुपए किलो। अच्छा जी, और ये प्याज का रेट भाई साहब जी है? प्याज भी ये बिक रही है 13-15 रुपए किलो। 13 रुपए से लेकर 15 रुपए किलो जी। अच्छा जी, और इसके अलावा क्या माल आ रहा भाई साहब जी? रात को गाजर आई थी भाजी। हाँ जी, बोरियों वाली? बोरी वाली गाजर का क्या बाजार चल रहा है? बिकी भाजी 1300 रुपए से लेकर 1600 रुपए तक का लाट बोरी। बोरी, और वजन कितना है जी इसमें? इसमें वजन होता है 80 किलो 82 किलो जी। धन्यवाद भाई साहब जी। अपना मोबाइल नंबर जी? 93-127-15-311 जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये वाली गाजर की बोरी आती है भाई साहब के पास, इस गाजर का रेट बताया जी इन्होंने, जो लोकल चल गई सोनीपत पानीपत की है।